अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। दोस्तों, हजरते अबू काब हारिसी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि एक बार मैं अपने गुमशुदा ऑटो को तलाश करने के लिए निकला तो अपने साथ एक बर्तन में पीने के लिए पानी और एक बर्तन में दूध भर लिया। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि ये मैंने अच्छा नहीं किया, सारे बर्तन में दूध भर लिया लेकिन वजू के लिए पानी नहीं लिया। मेरे इस अमल में इंसाफ नहीं है। इस ख्याल के आते ही मैंने बर्तनों को दूध से खाली किया और पानी भर लिया, फिर ऑटो की तलाश में चल दिया। मेरे पाक परवरदिगार ने ऐसा करम फरमाया कि जो बर्तन वजू के लिए भरे थे उनमें तो पानी ही रहा, लेकिन जो पानी पीने के लिए भरा था वो सब का सब दूध में तब्दील हो गया। मैं 3 दिनों तक ऑटो की तलाश करता रहा और तीनों दिन मुझ पर इसी तरह रहमते खुदाबंदी की बरसात होती रही। फिर मैं दरिया की तरफ गया तो एक आवाज सुनाई दी, ए अबू काब, भुना हुआ गोश्त चाहिए या दूध ही बेहतर है? बेशक वही पाक परवरदिगार भूख प्यास से नजात देने वाला है। फिर मैं अपनी कौम की तरफ आया और उन्हें ये वाकया बताया तो कबीले बनू कनान के सरदार अली बिन हारिस ने कहा, मेरा ख्याल है कि जो कुछ तुम कह रहे हो ये बस कहने की बात है। मैंने कहा, अल्लाह हकीकत हाल को बेहतर जानता है। फिर मैं अपने घर आया और सो गया। नमाजी फजर के वक्त किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैं बाहर आया तो सामने कबीले बनू कनान के सरदार अली बिन हारिस को पाया। मैंने कहा, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, मुझे हुक्म फरमाया होता तो मैं खुद हाजिर हो जाता, आपने क्यों तकलीफ की? तो उसने कहा, मैं इस बात का ज्यादा हकदार हूँ कि तुम्हारे पास खुद चलकर आऊँ। सुनो, आज रात जब मैं सोया तो किसी ने मेरे ख्वाब में आकर कहा, तू वही है ना जिसने उस आदमी की बात पर शक किया जो अल्लाह की नेमतों और अताओं की बात करता था? मैंने तौबा की और अब मैं आइंदा कभी भी अल्लाह ताला की अताओ और नेमतों का जिक्र करने वाले की बातों में शक नहीं करूंगा। दोस्तों, अल्लाह ताला बड़ा रहम करीम है, वो अपने बंदों का बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।